गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. आज है संडे और आफ्टरनून के बज रहे हैं 2:20. प्रशांत, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, अपना मास्क पे मैंने प्रेस कर दिया. अपने पे कर लियो, तुम्हारे पे पहन लो. सिल्वर बची होगी तो पहन लो, फिर मैं प्रेस. आजकल मास्क पे भी प्रेस होती है क्योंकि धुलने के बाद वो सिकड़ जाता है. पहन लो, सिल्वर होगी तो प्रेस कर दूंगा. क्या बोल रहे हो? क्या मेरे लगे हुए प्रेस करोगे? जैसा तुम चाहो. मेरी नाक चपटी नहीं हो जाएगी? चपटी का पता नहीं, जली हुई हो जाएगी. कुछ भी. तो और मैं तैयार दिख रही होंगी आप लोगों को. तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं प्रशांत? हम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले शुरू किया था. फिर उसके बाद जो है काम स्टॉप हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि कर लेना चाहिए जल्दी. तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं. आपको ध्यान हो तो लगभग 8-9 महीने पहले करीब हम लोगों ने अपनी सर्च चालू करी थी, जो कि आगे नहीं बढ़ पाई. यानी कि एक घर की जो कि अपनी जमीन पर बना हुआ हो. तो बेसिकली हमें ऐसा भी नहीं चाहिए. अब आपको मालूम है कि हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, कभी मम्मी पापा के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए. तो हमें ऐसा कुछ गेटेड कम्युनिटी चाहिए. तो हम लोग ना अपना इंडिविजुअल घर भी नहीं ले सकते हैं कि हमने लैंड लेके बनवा लिया, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है. तो हम लोग ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जो कि गेटेड कम्युनिटी हो, यानी कि विला. तो अब विला देख तो रहे हैं. अब जब पसंद आए, छोटी मोटी बात नहीं होती विला खरीदना. आप लोगों को मालूम है कि आदमी को कुछ स्ट्रेच ही करना पड़ता है, अपने पॉकेट से मतलब ऊपर ही लेना पड़ता है, क्योंकि अभी प्राइसेस भी अप्रोप्रिएट है. एक्चुअली में डिमांड इतनी है नहीं मार्केट में अपार्टमेंट्स की और प्रॉपर्टी की. तो इस वक्त हमें थोड़ा सस्ते में अवेलेबल होगा. और आप लोग तो मेरे साथ ही हो ही, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आप भी चले जाते हो. तो जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो. ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो. And don't come running and blame me from miles away. I can tell that something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do. हम लोग आए हैं गोदरेज गोल्फ लिंक में. तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं. हमने ऑनलाइन चेक किया था तो वही देखने के लिए आए हैं. ये थोड़ा सा जंगल में है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ना गाइस, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है. और हम लोग काफ़ी दिनों से विला तो सर्च कर ही रहे हैं. तो हम लोग देख रहे थे नेट पर कि कौन कौन सी लोकेशंस पर कहाँ कहाँ पर विला हैं अच्छी और हमारे बजट में पड़ जाएं. तो बस वही देखते देखते हमने नेट पर इसको भी देखा. तो सोचा कि आज वीकेंड पर इसे चेक करके आते हैं, देखते हैं कि कितना काम चल रहा है यहाँ पर और कब तक ये लोग डिलीवरी दे रहे हैं विला की. तो ये सब देखने के लिए हम लोग निकले थे घर से. तो ये एक्चुअल साइट है और ये 1000 acres में है ये पूरा प्रोजेक्ट. और इसमें आप देख रहे होगे बीच में ये गोल्फ कोर्स है. तो गोल्फ कोर्स के चारों तरफ यहाँ पर विला बनी हुई है. यहाँ पर ना phase 1, phase 2, phase 3 इस तरीके से है. तो जो phase 1 है वो लगभग तैयार हो चुका है. आप देख ही रहे होगे काफ़ी सारा काम चल रहा है. तो उसकी भी डिलीवरी डेट वैसे 2021 में है. और जो phase 2 है वो अभी इन्होंने लेना स्टार्ट किया है. phase 1 में तो ये लोग बोल रहे थे कि सारे के सारे जो विला हैं वो बुक्ड हो चुके हैं ऑलरेडी. तो इस तरीके से आप देख ही रहे हो काफी सारी जगह है, काफी ग्रीनरी है.
तो आप लोग नोटिस कर ही सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी जो विला है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और डिफरेंट डिफरेंट साइज में है। हमें जो ये दिखाने वाले हैं उसका सैंपल पीस जो है वो है 300 यार्ड में, तो वो 300 यार्ड वाला एक सैंपल फ्लैट इन्होंने बनाकर तैयार करा हुआ है, वही वो हमें दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी विला है ना उनकी जो फेसिंग है वो गोल्फ कोर्स के सामने है, लेकिन जो पीछे की साइड में विला बनी हुई है उनके लिए इस टाइप के डेक बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर आकर खड़े होकर गोल्फ कोर्स वगैरह का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो वाली विला दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ जो इनका सैंपल फ्लैट या सैंपल विला रेडी है। तो ये जो पर्टिकुलर विला है इसमें नीचे बेसमेंट है और उसके ऊपर फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, तो इस तरीके से इसमें 4 फ्लोर में है ये। और इनकी किचन मुझे काफी पसंद आई, काफी बड़ी है और बीच में आइलैंड भी बना हुआ है। 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. और ये है इस विला का डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया, सबसे हैपनिंग प्लेस इस घर का। और ये है इस घर का मास्टर बेडरूम जो कि काफी बड़ा था, काफी बड़ा था गाइस, और इसका बाथरूम भी बहुत सुंदर था। क्योंकि ये विला बड़ी है और 4 फ्लोर में है तो इसके अंदर लिफ्ट भी है। और हाँ गाइस, इसमें टोटल 5 बेडरूम्स हैं और जो इनका फेज़ वन है वो लगभग मैंने बताया ही था कि 2021 में मिल जाएगा, और फेज़ टू और फेज़ थ्री का तो अभी 3-4 साल रुक कर ही मिलेगा क्योंकि अभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है वहाँ पर। और जो ये विला मैंने आपको दिखाया है 300 यार्ड वाला, इसकी जो फाइनल प्राइस है वो 5.5 करोड़ के करीब है। शूटिंग तो थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, और मैं जब घर पे शूटिंग करती हूँ तो कैमरे से करती हूँ, और जब बाहर निकलती हूँ तो आईफोन रख लेती हूँ अपने साथ। अब ठीक हुआ था, सनलाइट में ऐसा लग रहा था अजीब सा। मास्क लगा के यार ज़्यादा देर रुका नहीं जाता। सल्यूट है उन लोगों पर जो दिन रात मास्क लगा के अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। सच में कोरोना वॉरियर्स जो है ना, सच में उनको मेरा सल्यूट है। चलो घर चल के आप लोगों से बात करते हैं। एक तो कहीं से आओ थके हुए और सबसे पहले सैनिटाइज करो। तो अभी फिलहाल मैं कुछ सामान लेकर आई थी खाने पीने का, ब्रेड वगैरह। ये बहुत अच्छी वाली ब्रेड मिल गई मुझे, चिली फ्लेक्स लगे हुए हैं इस पे। कल बनाकर खाऊंगी कैसी लगती है फिर बताऊंगी आपको। और ये है, ये भी ब्रेड ही है, गार्लिक ब्रेड। और मुझे पिज़्ज़ा सीजनिंग चाहिए थी, वो ख़त्म हो गई थी तो वो लेकर आई हूँ। साथ में चिली फ्लेक्स लेकर आई हूँ, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग दोनों ही चाहिए थी मुझे। इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे ना, वो पहले कभी हम डोमिनोज वगैरह मंगाते रहते थे ना, तो उसका इतनी बड़ी बोतल भर गई थी। पूरे लॉकडाउन हमने वही यूज़ किया है, कुछ भी हमने खरीदा नहीं, पूरे लॉकडाउन हमने वही यूज़ किया है। सारे सैशेस बचा के रखे हुए थे, वो धीरे धीरे करके सब खत्म हो गए, तो फिलहाल तो लाने की ज़रूरत लगी गई थी। हाथ सैनिटाइज कर लिए मैंने ऑलरेडी, और पहले शावर वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो रास्ते में ही मैंने कशिश को फ़ोन करके बोल दिया था कि चाय बना लो बेटा,
तो उसने हमारे लिए चाय बनाकर तैयार रखी है, फर्स्ट क्लास वाली, और यहाँ पर कुछ स्नैक्स का सामान भी है, जहाँ से हम बेकरी का सामान लेते हैं ना उन्हीं के पास मिल जाता है। ये क्या है, स्टफ बर्गर था ना ये शायद? नहीं, पिज्जा बर्गर। पिज्जा बर्गर है और ये रोल है, वेजिटेबल रोल। ये कशिश के बहुत फेवरेट है ये चीजें, तो जब भी हम लोग बेकरी की शॉप पर जाते हैं कुछ ना कुछ ले आते हैं। आजकल बाहर का और कुछ तो खाते नहीं है, यही चीजें हैं जिन्हें दोबारा से घर पे आके हम गर्म कर लेते हैं अच्छे से, फिर खाते हैं। हो पाता इतना यार, कोई और हैंडल नहीं करता, मैं ही हैंडल करती हूँ। इधर इधर बैठोगे या कहीं बेडरूम में बैठे? बेडरूम में बैठते। तो तुम्हें विला कैसी लगी? अच्छी थी देखने में, तो अच्छी थी ना, मुझे भी अच्छी लगी देखने में, अच्छी थी। हाँ। लेकिन ये जो थी वो 300 गज में थी, 300 गज में थी। हम लोग देखने गए थे 125 टू 120 गज में। हाँ। जो कि हमने इसके वेबसाइट पे देखा था, लेकिन वो वाली अवेलेबल नहीं थी, और 300 गज वाली जो है वो काफी ओवर प्राइज है, और हमारे लिए इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और मतलब इनके पास सैंपल फ्लैट भी नहीं था, 125 का 150 का इनका सैंपल गज नहीं था, मतलब सैंपल फ्लैट नहीं था। हमने पूछा कब होगा आगे भी, तो कहते हैं नहीं होगा, तो आपको आइडिया लगना बड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा गोदरेज वाले ना अपना कुछ प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं, मतलब बिकॉज इट इज ऑफ गोदरेज, तो वो कुछ अपना जो मार्केट रेट होना चाहिए उधर से, उससे कुछ मुझे कुछ एक्सपेंसिव लगा। खैर अपने अपने पॉकेट वाली बात होती है। हाँ। बट वो एक्सपेंसिव था, तो जो हमें उसने 300 गज की जो दिखाई थी प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी, उसमें नीचे एक बेसमेंट था और ऊपर 3 फ्लोर थे, मतलब ग्राउंड प्लस 2, तो इस तरीके से 4 फ्लोर्स हो गया, अच्छा था। बट इसमें मुझे तो हम देखने के लिए भी नहीं गए थे। और इसके अंदर ना एक और चक्कर है कि इसमें ना कई सारे फेस बन रहे हैं। हाँ। और सबकी डिलीवरी टाइम अलग अलग है। अब जैसे इसने हमें बताया जो फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस में इनके पास फ्लैट नहीं है, 125 सारे, और जो नेक्स्ट फेस है वो 4 से 5 साल लगेगा उसमें, और जो अभी इसके अवेलेबल है वो 300 गज का था, वो भी अगले साल मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा इतना ना तो बजट है ना हमें रिक्वायरमेंट है इतनी, तो हम अभी तो मेरे ख्याल से और सर्च जारी है, और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो जो हमारे पॉकेट के हिसाब से होगा, बजट के हिसाब से होगा, और जो एटलीस्ट हमें ना 4 बेडरूम वाला मिल जाएगा। हाँ, तो भी हमारे लिए 4 बेडरूम प्लस थोड़ा यूटिलिटी एरिया होता है ना, जैसे और थोड़ा सा अच्छा बना हुआ हो, जैसे हमने गोल्फ फॉरेस्ट में देखे थे वो ठीक थे, लेकिन उसमें ये कमी थी कि उसमें ना अभी इतना टाइम हो गया उसे बने हुए, उसमें लोग शिफ्ट नहीं हुए, तो हमें थोड़ी यही बात कर लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा उसकी मार्केट की बहुत प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम थी, इधर ये लोग मार्केट अंदर ही बना रहे हैं, अंदर बनाएंगे ये लोग। कुछ मामलों में अच्छा है ये, वैसे आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो देख कर आना, लेकिन बस हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा 300 वाला। हाँ, थोड़ा नहीं काफी बड़ा है, हमें इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। तो हम जो देख रहे हैं ना वो उसी में देख रहे हैं बस अपना 100-125 गज के करीब का, तो और भी देखेंगे। अगर आप लोगों को भी मालूम हो, आइडिया हो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर कोई अच्छी सोसाइटी कुछ डेवलप, तो बताइएगा, हम देख के आएंगे उसे। काफी दिन से चल रहा है हमारा प्लान पिछले साल से, लेकिन कुछ फॉर्मुलेट नहीं हो पाया, पिछले साल भी देख के आए थे। देखते हैं आप कितनी जल्दी हम लोग फाइनलाइज करते हैं। तो पक्की हो गई है कि जितने भी विला अगर आप बुक करने चलते हो सबकी डेट ना आज से 3 या 4 साल बाद, 3-4 साल में, कम से कम 3 से 4 साल बाद है। हाँ, नहीं तो फिर अगर जो रेडीमेड मिलती है वो या तो रीसेल में मिलती है या फिर बहुत एक्सपेंसिव होती है, फिर वो तो बजट से बहुत ऊपर होती है, वो तो है। तो यही था बस गाइस, तो चलिए गाइस यही था आज का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग बताना हमें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपको अपने एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ बाय बाय गाइस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मोर अपडेट्स के लिए। और इंस्टाग्राम का जो आईडी है सेम मेरे चैनल नेम पर है, इंडियन मॉम स्टूडियो, तो आप लोगों का वहां पर भी बहुत सारा स्वागत है। बाय बाय। Save me, no, and don't come running.